बंगाल दंगल के पहले दो चरणों के लिए बीजेपी ने 60 उम्मीदवारों के नाम तय किए। आज टीएमसी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कहां फंस गया है पेच। चुनावी राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरें सबसे पहले देखते हैं 21 का राज्याभिषेक में। पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के लिस्ट को तय किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। देखिए, ममता जी को हम हराएंगे, कोई भी लड़े। शुभेंदु ने अपनी इच्छा प्रकट की है, पर ये निर्णय करना पार्टी काम है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दो चरण की 60 सीटों पर बात हो गई है। कौन कहां से लड़ेगा वो पार्टी तय करेगी। दो चरण के लिए चर्चा हुई है, इस जो बैठक था उसमें लगभग 60 सीट के बारे में चर्चा हुई है। कुछ निर्णय हो गया है, कुछ बाकी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने चुनाव समिति की बैठक में कहा है कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी तो वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। बाबुल सुप्रियो आसनसोल से सांसद हैं। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी पूरे दमखम से जुटी है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के पुराने नेताओं और नए शामिल हुए नेताओं के बीच टिकट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर खींचतान शुरू हो गई है, जिससे पार्टी को 294 सीटों पर उम्मीदवार चयन करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि करीब 8,000 उम्मीदवार दावेदारी ठोक रहे हैं। बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। आज पार्टी एक साथ सभी 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। सीएम ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो पूर्वी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम सीट से लड़ेंगी। नंदीग्राम के साथ ही वो भवानीपुर से भी चुनावी मैदान में उतर सकती है। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। 92 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, जबकि एजीपी को 26 और यूपीपीपी को 8 सीटें मिली हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। दिल्ली में हुए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए गए हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में सेलिब्रिटी के शामिल होने का सिलसिला जारी है। कोलकाता में फिल्म एक्टर और डायरेक्टर धीरज पंडित, सुभद्रा मुखर्जी, बीजेपी नेता उषा चौधरी और सिंगर अदिति मुंशी टीएमसी में शामिल हुए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और डीएमके के बीच बातचीत हुई। तमिलनाडु की सियासी बाजी जीतने के लिए डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर सेकुलर डेमोक्रेटिक गठबंधन बनाया है, लेकिन कांग्रेस और डीएमके कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी वो भी साफ नहीं हो पाया।